नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए हम एपिसोड नंबर 9 डील करते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल में। अब तक हम 8 एपिसोड डील कर चुके हैं। 9 एपिसोड है जिसमें मैं बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आया हूँ। याद रखना, मैं आज आपके साथ ये जो क्वेश्चन करने वाला हूँ वो क्वेश्चन एक ही है, पर अपने आप में बहुत कुछ है। वो क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, डरने का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा खासा क्वेश्चन है। जितना कंटेंट है सिखाने वालों इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब एक कनेक्टिविटी बनाऊंगा मैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो देखने का प्रयास करना, समझने की कोशिश करना। होले होले हो जाएगा प्यार छलिया, होले होले हो जाएगा प्यार। आ जाओ, देखिए बड़ा हाईलाइटर ले लिया मैंने। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई एंटर इंटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। कीमती होती है डेट, डेट्स को जरूर लिखा करें, जरूर हाईलाइट करा करें। 1 अप्रैल 2017 को इन्होंने बिजनेस शुरू किया। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2018। बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने, 1 अप्रैल 2017 को बिजनेस शुरू किया था, बट हमें कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2018 की। यानी कि बिजनेस शुरू हुए 1 साल बीत चुका है। अगर आप देखोगे 1 अप्रैल 2017 और 1 अप्रैल 2018 के बीच में हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2018 की। एक की है 2 लाख और एक की है 1.5 लाख। 1 अक्टूबर 2018 को एक्स ने 50,000 का लोन दिया फर्म को एज पर दी प्रोविजन ऑफ दी पार्टनरशिप डीड। हाँ, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है? 20% ऑफ दी प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वॉज टू बी ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। इनकी 20% जो प्रॉफिट का है वो कहाँ डालना है? जर्नल रिजर्व में। ये बीच का जो भी ताम झाम है इन हम तरीके से डील करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम। मतलब ड्रॉइंग 10% है, कैपिटल 12% पर एनम लिखा हुआ है। पर एनम इंपॉर्टेंट है, जैसे बादल इंपॉर्टेंट है। एक्स टू गेट मंथली सैलरी 5,000। एक्स को सैलरी मिलेगी, मंथली मिलेगी 5,000 रुपये, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे साल भर की निकालनी है। वाई को भी क्या देनी है? सैलरी देनी है 22,500 पर क्वार्टर है। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। एक क्वार्टर में 22,500 तो मल्टीप्लाई बाय 4, पूरे साल भर की सैलरी आ जाएगी वाई की। एक्स टू एंटाइटल टू अ कमीशन। एक्स टू कमीशन देना है 5%। किसका? सेल का 5%। और सेल कितनी दे रही है? 3.5 लाख रुपए की सेल दे रखी है। प्रॉफिट टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। प्रॉफिट को शेयर करना है, बांटना है इनकी कैपिटल के रेशियो में 175, अप टू 175। क्या लिखा है? अप टू 175 एंड बैलेंस इक्वली। क्लियर है? ये क्या ताम झाम है आगे समझते हैं इसे भी हम, ठीक है। फिर लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। 31 मार्च 19 को प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि साल का आखिर। साल की शुरुआत कब हुई थी? 31 मार्च 2018 में। एंड कब है? 31 मार्च 19 में। क्लियर है? बिफोर क्या लिखा हुआ है? बिफोर अलाउइंग एंड चार्जिंग इंटरेस्ट 461। कह रहे हैं कि आपको 31 मार्च 19 का प्रॉफिट दे रखा है जिसमें से अभी भी कोई भी इंटरेस्ट ना चार्ज किया गया है, ना कोई इंटरेस्ट अलाउ किया गया है। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर तुम क्वेश्चन को पढ़ रहे हो ध्यान से, तो यहाँ पर ना मेरे बेटा एक चीज ध्यान गौर फरमाना जनाब, इंटरेस्ट कौन कौन से हैं? एक तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है। किसके ऊपर इंटरेस्ट है मेरे बेटा? लोन का इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है? और एक यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर है? 3 इंटरेस्ट आ रहे हैं, तीनों इंटरेस्ट से पहले है। द ड्रॉइंग ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा जी, ये ड्रॉइंग दे रखी है। ड्रॉइंग द होती है परमानेंट और टेम्परेरी, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन में कुछ बता रखा नहीं है तो क्या मानेंगे? आउट ऑफ प्रॉफिट। नॉर्मल ड्रॉइंग, टेम्परेरी ड्रॉइंग मानेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अच्छा जी, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट जरूर पढ़ना, क्वेश्चन जो पूछे वही आंसर देना, फालतू का आंसर देके अपने टाइम समय को मत बेकार करना, ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए एंट्री बना के दिखानी है, बना देंगे। कह रहे हैं प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना के दिखाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बना के दिखाओ। तो सबसे पहले बेटा मेरी जो बातें होंगी वो किसके ऊपर होंगी? अकाउंट के ऊपर होंगी। एंट्री की बात मैं बाद में करूंगा, एंट्री में दोनों चीजें बताऊंगा, शॉर्टकट भी और लॉन्ग कट भी। लॉन्ग कट मतलब समझाऊंगा, शॉर्टकट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो मेरे बेटा यहाँ पर एक बात आती है, पहले तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और उसमें कोड क्या लगाते हैं? RISCI, रिस्की। आर फॉर रिजर्व है, पढ़ा था। आई फॉर इंटरेस्ट कैपिटल भी है, सैलरी भी है, कमीशन भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है।
बट इधर इंटरेस्ट ऑन लोन भी है और प्रॉफिट है 461। तो मेरे बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन कहां जाता है, पीएनएल अकाउंट में चार्ज मान के बेटा बोलो आइए ना, तो बाय नेट प्रॉफिट, या लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 461। यहां क्या दिखा देंगे मेरे बेटा, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, जो एक्स ने लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट। बेटा एक्स ने लोन कितना दिया है मेरे बेटा, 50,000 का। कितना लोन दिया मेरे बेटा, 50,000 का लोन दिया है। किसने दिया है, एक्स ने दिया है। कब दिया है, अक्टूबर में। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का ब्याज बनेगा। लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट देते हैं, जब कुछ नहीं बता रहेगा तो 6% पर एनम और 6 महीने का। तो बताना मेरे बेटा 50,000 का 6% वो भी 6 महीने का, तो मेरे बेटा ये कितना निकल कर आ गया, 1500 रुपये। क्लियर है। तो बेटा देखो, एक 4,61,000 में थे, 4,61,000 माइनस 1500 रुपये, तो बेटा ये निकल कर आया हमारा करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर एक्सपेंस, जो कहाँ जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपको आगे 4,61,000 रुपये और ये भी आपको आगे 4,61,000 रुपये, ठीक है। यहाँ का देखो यहाँ का डेबिट तो वहां आ जाएगा क्रेडिट में, बता दिया बात मैंने आपको पहले। यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहो तो ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिख दो, कितना मेरे बेटा 4,59,500, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, 461 माइनस माइनस कितना था बेटा, 50,000 के ऊपर 6%, 6 महीने का। आप पीएनएल अकाउंट नहीं बनाना चाहते मत बनाओ, लेकिन मैंने आपको बताया था प्रॉपर अकाउंटिंग पता होनी जरूरी है। नहीं बनाना चाहते मत बनाओ, सीधा ये कर दो, बात खत्म। चलिए आप क्या देते हैं मेरे बेटा, पहले इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना बेटा जी। आपको दे रखी कैपिटल 2,00,000 और 1,50,000, टॉप पर दे रखी सेकंड लाइन में एक्स और वाई की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12% सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एक्स का और वाई का, एक का है 2,00,000 और एक का है 1,50,000, इसका 12% और इसका भी 12%, तो ये दो आपका आ गया 24,000 रुपये, और आई थिंक आएगा 1,50,000 का 12% 18,000 रुपये। तो 24 और 18 कितना होगा मेरे बेटा, ये होगा आपके 42,000 रुपीज़ इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया। चलो जी, सैलरी भी देनी है, आई थिंक सैलरी भी दोनों को देनी है, एक्स को भी और वाई को भी। अच्छा, पॉइंट नंबर थर्ड में लिखा है एक्स को सैलरी देनी है 5,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई, उसको देनी है 22,500 पर क्वार्टर, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 12×5=60, 22,500 मल्टीप्लाई 4, ये कितना हो गया मेरे बेटा जी 90,000, कितना हो गया ये 1,50,000। फिर आता है कमीशन, कमीशन किसको देना है मेरे बेटा, जल्दी दो कमीशन, कमीशन टू पॉइंट नंबर फोर में लिखा है एक्स को कमीशन देना है सेल का, सेल दे दीजिए उसी पॉइंट में 3,50,000 रुपये। तो 3,50,000 के ऊपर 5% निकाल दो, निकालना आता है कितना आ गया 17,500। चलो जी, कमीशन भी दे दिया, फिर क्या देना है मेरे बेटा, दे दो क्या दे दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी दे दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा जी, एक्स और वाई, अच्छा लिखा हुआ है एक लास्ट में लिखा हुआ है 1,00,000 की ड्राइंग एक्स की है और 1,25,000 की ड्राइंग वाई की है। पॉइंट नंबर सेकंड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट कितना है 10%, लेकिन ये ड्राइंग करी कब है कुछ बता नहीं है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे, 6 महीने का, 12 का आधा 6, क्योंकि यहाँ जो डेटा है वो 12 महीने का, याद आ रहा है। तो 1,00,000 का 10% 6 महीने का, ये बैठा आपको कितने रुपये मेरे बेटा 5, और ये आया
एक लाख पच्चीस हजार का 10% 6 महीने का 6,250 प्लस 5 कितना हो गया मेरे बेटा ये 11,250। बात क्लियर हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दे दिया। सबसे कीमती चीज क्या है मेरे बेटा, रिजर्व। क्या है मेरे बेटा, रिजर्व। ये है, अब यार समझना मेरे बेटा, रिजर्व के बारे में चर्चाएं समझनी बड़ी जरूरी है कि रिजर्व में करना क्या है। थोड़ा सा पेन चेंज कर रहा हूँ, इधर देखना मेरे बेटा। रिजर्व के बारे में बोला गया है 20% ऑफ प्रॉफिट, खाली ये बोला होता है 20% ऑफ प्रॉफिट, तो मेरे बेटा देखो ये प्रॉफिट है, मैं इसका 20% लगा देता, मेरे बात के लिए हो रही है। बट 20% ऑफ प्रॉफिट नहीं बोला, उसके आगे भी बोला है क्या, 20% ऑफ प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पहले वाला प्रॉफिट। अच्छा जी, यानी कि बिफोर चार्जिंग, ये नहीं देखना, इससे पहले वाला प्रॉफिट ये रहा, ये है ये वाला प्रॉफिट। और क्या बोला, आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन, अच्छा जी, और सब कुछ घटाने एप्रोप्रिएशन करने के बाद, मतलब उस प्रॉफिट में से जो जो देना है वो लेस कर दूं, यानी कि ये देना है ये लेस, ये देना है ये लेस, ये देना है ये लेस, मतलब क्या कह रहे हैं, 4,59,500 में से लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42,000 रुपए, सैलरी 1,50,000 रुपए, 17,500 का कमीशन, जो निकल कर आएगा ना कितना निकल कर मेरे बेटा 2,50,000 करके देखो, इसमें से ये तीनों लेस कर दो, क्लियर है, ये भी और ये भी, क्लियर है मेरी बात, आई बस अभी नहीं आई, लेस कर दो निकल कर आएगा 2,50,000, कितना निकल कर आएगा मेरे बेटा 2,50,000, क्लियर है, 2,50,000 का 20%, ये आपका आ जाएगा रिजर्व कितने रुपये, 50,000 रुपये, क्लियर है। बस खत्म कहानी, यहाँ पे निकाल दो मेरे बेटा प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये आ जाएगा 2,11,250, और ये बचा प्रॉफिट किसका है, एक्स और वाई का, कि ये प्रॉफिट सीधा सीधा बढ़ जाएगा ना बेटा, ऐसे तो ना बढ़ने वाला, इसके बारे में बढ़ने के बारे में कहानी है। देखो ये हो गया डील, ये डील, 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 पांचवा आइटम डील नहीं हुआ, पांचवा आइटम क्या लिखा हुआ मेरे बेटा जी, प्रॉफिट टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 175 एंड बैलेंस इक्वली, इसका मीनिंग समझना जरा, इसलिए देखो मैंने ड्रामा करा हुआ है। देखो तुम्हें प्रॉफिट बांटना कितना है, तुम्हें प्रॉफिट बांटना कितना है, 2,11,250 में बांटने हैं, ये है ना, ऊपर देख लेते एक बार, 2,11,250 बांटने हैं, कह रहे हैं 1,75,000 तक का तो प्रॉफिट बचेगा कैपिटल के रेशियो में, किस रेशियो में, कैपिटल, अरे भैया कैपिटल है कितनी लिखा हुआ सेकंड लाइन में क्वेश्चन की, एक की 2,00,000 है और एक की 1,50,000 है, जरा निकालना 2,00,000 और 1,50,000 का रेशियो, 4 जीरो तो ये खत्म हो गई, ठीक है ना, तो बचा 20 और 15, तो 5 कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 3 15, 4:3, कह रहे हैं तो 2,11,250, कह रहे 1,75,000 तक का प्रॉफिट तो बचेगा 4:3 के रेशियो में, यानी कि कैपिटल रेशियो में, सीआर में, और जो बच गया वो आया 36,250, लिखा है ना, बैलेंस इक्वली, जो बचा है वो इक्वली बांट दो 1:1 में, बात क्लियर हो गई। जब आप इसे आधा आधा बांटोगे तो यहां पर कितना आएगा, 18,125 इधर इसके पास, 18,125 इसके पास, और 1,75 को बांट दो 4:3 के रेशियो में, डिवाइड बाय 7 × 4, तो मेरे बेटा ये तो आ जाएगा आपका 1,00,000, और ये आपका आ जाएगा मेरे बेटा 75,000, यानी कि टोटल एक्स के पास कितना प्रॉफिट आया, 1,18,125, और वाई के पास आया 75 + 18,125, 93,125, इसे उठा के पटक दीजिए यहाँ पे, 1,18,125 और 93,125 टोटल, बात क्लियर हुई, आई बस में नहीं आई बोलो, और मेरे बेटा लास्ट में क्या कर देना, टोटल भूल न जाना, साथ निभाना, और मेरे पास एवीएसएस में ही आना, बात क्लियर हो गई, आई बस में नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसी बात को थोड़ा और डिफाइन करूं, मान लो अगर प्रॉफिट जो होता 1,75,000 रुपए, 1,75,001 रुपए होता, 1,75,001 रुपए होता, तो पता कैसे बढ़ता, 1,75,000 तो 4:3 में बचा 1 रुपया, 1:1, 50 पैसा 50 पैसा। सपोज अगर प्रॉफिट 1,70,000 होता, खाली कितना होता, 1,70,000 होता, तो क्या बोला है क्वेश्चन में, 1,75,000 तक का प्रॉफिट 4:3 के रेशियो में, प्रॉफिट कितना हुआ है 1,70,000, 1,75,000 से कमी है,
तो वो 1/70 का प्रॉफिट ही है तो 4:3 में बढ़ जाता, बात के लिए हुई नहीं हुई। अगर 1/74 होता प्रॉफिट तो भी 4:3 में आता, 1,74,999 रुपए भी होते ना तो भी वो 4:3 में होता। जहां 1:75 है 4:3, 1:75 तो ऊपर गया इक्वली 1:1 जितना ऊपर है, बात क्लियर हुई। इस हिसाब से डिविजन करने के भी तरीके क्वेश्चन में आते हैं। दूसरी बात, अब ये है क्वेश्चन फिक्स का या फ्लक्चुएटिंग का, हेडिंग तो फ्लक्चुएटिंग की है, सही बात है, लेकिन आप क्वेश्चन में कैसे पहचानोगे कि क्वेश्चन फिक्स वाला है या फ्लक्चुएटिंग वाला है? तो एक बार जरा ध्यान में रखना मेरे बेटा, ये आपसे क्या मांग रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांग रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांग रहे हैं। तो समझ जाना क्या है मेरे बेटा जी, फिक्स फ्लक्चुएटिंग नेचर, क्योंकि यहाँ पर फिक्स या फ्लक्चुएटिंग के बारे में कुछ बोला नहीं है। कैपिटल अकाउंट मांग रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट कहाँ बनता है मेरे खाड़ी, फ्लक्चुएटिंग केस में। हाँ, कैपिटल और करंट दोनों मांगता तो ये फ्लक्चुएटिंग हो, फिक्स हो जाता, बात के लिए हुई या नहीं हुई, या तो फिक्स बोले या फ्लक्चुएटिंग बोले, समझ जाएंगे। कैपिटल अकाउंट मांग रहा है तो समझ जाएंगे खाली कैपिटल तो फ्लक्चुएटिंग में बनता है, और वैसे कुछ भी नहीं पता होता तो फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे बेटा, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, जिसे तुम क्या कहते हो मेरे बेटा, ओपनिंग बैलेंस, क्या कहते हो मेरे बेटा, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल। और क्वेश्चन के दूसरे एंड में लिखा हुआ है 1 की 2 लाख है और 1 की 1.5 लाख दे रखी है, बेटा बोलो हाँ ये ना। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक चीज और आती है, बाय कैश या बैंक, क्या मालिक और पैसा नहीं लगा सकता, लगा सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। बट इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है, ये लिख दिया है मैंने आपकी सहूलियत के लिए। दूसरी बात, बाकी इनमें आइटम कहां से आने वाले, इधर देखना मेरे बेटा जी, देखो मेरे बेटा यहां का डेबिट तो यहां क्या जाएगा, क्रेडिट में, बात क्लियर हो गई। तो यहां के डेबिट में क्या क्या, देखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट लिखो जी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहां का डेबिट, यहां का क्रेडिट, 1 का 24 था आई थिंक और 1 का 18 था, ऐसी सैलरी, वहां का डेबिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट, यहां का, वहां का डेबिट, यहां का क्रेडिट, 1 की सैलरी थी आई थिंक 60 और 1 की थी 90 पर मंथ पर क्वार्टर। फिर कमीशन भी था, वहां का डेबिट, यहां का क्रेडिट, कमीशन 2x, तो कमीशन अकाउंट लिख दो बहुत है, ठीक है ना, कितना कमीशन था x का, 17,500, तो x का अमाउंट x में, y का में है ही नहीं, छोड़ दो। और क्या क्या मेरे बेटे देखना जरा, देखो देखिये, यहाँ का डेबिट वहां का क्रेडिट, यहाँ का डेबिट वहां का क्रेडिट, यहाँ का डेबिट वहां का क्रेडिट, रिजर्व किसी का नहीं है ना एक्स का ना वाई का, तो वो जाने वाला नहीं है, बचा प्रॉफिट, यहाँ का डेबिट वहां का क्रेडिट। आ जाओ जी, क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बेटा कितना कितना प्रॉफिट बांटा था, 1 का आया था 1,18,125 रुपये, 1 का था 93,125 रुपये, ऐसे था ना, ये रहा ऊपर ही लिखा हुआ है। चलो जी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ड्राइंग, यहां का क्रेडिट तो वहां का डेबिट, कोई भी हो इंटरेस्ट यहीं आने वाला है। चलो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 1 का था x का था शायद 5, 6,250। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो ड्रॉइंग भी तो होगा, ड्रॉइंग के कारण क्या होता है, कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल होती है क्रेडिट, कम करने क्या कर दोगे, डेबिट। तो यहाँ पे क्या लिख दो, या तो लिख दो टू कैश लिख सकते हो, या बैंक भी लिख सकते हो, और ना हो तो ड्रॉइंग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ तो दोनों ड्रॉइंग होती थी, याद है ना, परमानेंट टेम्पररी, बट ये टेम्पररी ड्रॉइंग है, जब क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्रॉइंग, क्लियर है। एक चीज और आती थी यहाँ पर, टू पीएनएल अकाउंट के नाम से अगर लॉस होता था तो, बट इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें तो प्रॉफिट है तो लॉस होने के चांसेस नहीं है। मैंने फॉर्मेट भी रिकॉल कर दिया और क्वेश्चन भी करके दिखा दिया, एक जिससे दो निशाने मारे हैं, टू बैलेंस सीडी, ठीक है, इतना लंबा स्पेस खिंच गया है, कोई बात नहीं, पूरे स्पेस का यूज करेंगे। तो आ जाओ बेटा, क्रेडिट वाले टोटल लगाने शुरू करो, एक्स के 2,00,000+24,000+60,000 +17,500+1,18,125, ये मेरे बेटा कितना निकल कर आ रहा है, इधर देखना मेरे बेटा, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ मेरे बेटा जी, 4,19,625 रुपये ये निकल कर आ रहा है, जबकि यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, 1,05,000।
यानी कि क्रेडिट वाला ज्यादा है और डेबिट वाला कम है। जहां पे कम होता है सीडी वहीं आएगा, कितना माइनस 1,05,000 रुपए, यह आया 3,14,625 रुपए। इसको तुम क्या बोलते हो, क्लोजिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग बैलेंस। बात क्लियर हुई नहीं हुई, आगे चलें। क्लोजिंग कैपिटल और यदि आपकी ओपनिंग कैपिटल ऐसे भाई का करूं 1,50,000 + 18 + 90 = 93,125, क्रेडिट साइड का टोटल कर दिया कितना आ रहा है 3,51,125, जबकि डेबिट का टोटल कितना आ रहा है 1,25 + 6 = 1,31,250। अब यहाँ पे भी क्रेडिट वाला ज्यादा है और डेबिट वाला कम है, 1,51,125। यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे बेटा 219,875, ये आ गया मेरे बेटा क्लोजिंग कैपिटल। क्रेडिट वाला ज्यादा है, डेबिट वाला कम है, तो निकल जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। और बाकी तो मैंने आपको पैसे पढ़ना सिखाई दिया था, क्या इतनी कैपिटल, देखो पेन चेंज कर रहा हूं जरा, इतनी कैपिटल है, इतनी कैपिटल बढ़ी, इतनी कैपिटल घटी, इतनी बच रही है, इतनी है, इतनी बढ़ी, इतनी घटी, इतनी बची, क्लोजिंग कैपिटल आया। बोलो हाँ या ना, तो मैं फालतू की हेयर मार्किंग हटा देता हूं। क्लियर है, आई बस में नहीं आई, ठीक है बेटा, जो क्रेडिट साइड। चलो अब बात करते हैं मेरे बेटा किसकी, ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, बट अब जनरल बच रहा है, अब हम बात करेंगे जनरल की। तो पहले मैं बात करूंगा शॉर्टकट पे और फिर लॉन्ग कट को, मतलब हैंड टू हैंड उसको एंट्री को समझाता हूँ भी चलूंगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नया पेन ले लेते हैं हरा कलर, ठीक है। चलिए जनरल की शुरुआत करते हैं, आइए बात करते हैं पहले जनरल की, ठीक है ना। अब जनरल की घड़ियां आ चुकी हैं, सबसे पहले आपने क्या करा था, आपने पीएनएल एप्लीकेशन ही बनाया था, आपने क्या बनाया था पीएनएल अकाउंट बनाया था सबसे पहले, हाँ ये ना। तो बेटा एक बात याद रखना मेरे बेटा जी, नेट प्रॉफिट ये कोई एंट्री नहीं बनेगी, एंट्री बनेगी ये वाली पहले, कौन सी बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो देखो इसके ऊपर मैंने दो एंट्री बनवाई थी पहले आपसे, याद है। और अगर आप बात करोगे डेट कौन सी आने वाली है, यहाँ पे ऐसा तो कोई डेट बता नहीं रखी, लेकिन हम ये मान रहे हैं क्योंकि सब कुछ ईयर के एंड में हो रहा है, तो डेट जो आएगी वो 31 मार्च 2019 ही आएगी सभी एंट्रियों में। क्लियर है ना, सभी एंट्री में 31 मार्च 2019 ही मान के चलना, मैं डेट बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। और नरेशन लिखूंगा नहीं, बोलूंगा, बता दूंगा नरेशन बट बोलूंगा नहीं, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा हमारे साथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो बेटा पहली एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन देना है हमें, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की पहले ड्यू और फिर ट्रांसफर एंट्री, याद रखना पहले कौन सी बनेगी, ड्यू और फिर ट्रांसफर। इंटरेस्ट ऑन लोन देना क्या होगा मेरे बेटा, हमारे लिए खर्चा, एंट्री क्या बनेगी इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन, खर्चा हो गया डेबिट, बट अभी खर्चा देना है किसको, एक्स को, तो बन गई लायबिलिटी, कहां डाल देंगे एक्स के लोन में, लायबिलिटी हो जाती है क्रेडिट। कितना इंटरेस्ट था मेरे बेटा 1500, क्लियर है नहीं है, बींग इंटरेस्ट ड्यू ऑन एक्स लोन, क्लियर है, बींग इंटरेस्ट ड्यू ऑन एक्स लोन। अब मेरे बेटा इंटरेस्ट लोन क्या है, हमारा खर्चा, आपको पता है सारे खर्चे सारी इनकम कहां जाती है मेरे बेटा जी, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो मेरे बेटा ये खर्चा क्या है, डेबिट, डेबिट को हटाने के लिए क्या करोगे क्रेडिट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर देना मेरे बेटा क्रेडिट, मतलब खर्चा खत्म हो जाएगा और ये खर्चा जाके डेबिट हो जाता है कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जैसे कि आपने करा था कितने रुपए 1500। इस एंट्री का मैं एक शॉर्टकट सिखाता हूं तुम्हें, ये देखना मेरे बेटा शॉर्टकट, देखना पीएनएल अकाउंट दिखाऊंगा, ठीक है, सभी एंट्री का शॉर्टकट है ये देखना जरा, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो डेबिट का मतलब होता है पीएनएल को डेबिट करो और इसको क्रेडिट करो, और क्रेडिट का मतलब है इसको क्रेडिट करो और इनको डेबिट करो, क्लियर है। तो बेटा मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूं, पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो ये एंट्री बनाई अपने नीचे, पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, आप ऐसे भी बना सकते हैं, शॉर्टकट है तरीका आपका, ठीक है। उसके बाद जो पीएनएल से प्रॉफिट बचा था वो कहां जा रहा था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में,
तो मेरे बेटा देखो पहले समझा देता हूँ फिर शॉर्टकट भी दिखा दूंगा। जब पीएनएल से प्रॉफिट जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, तो पीएनएल का प्रॉफिट हो जाएगा खत्म, प्रॉफिट होता है क्रेडिट, खत्म करने के लिए कर दोगे डेबिट। प्रॉफिट क्या होता है मेरे बेटा? क्रेडिट, खत्म करने के लिए कर दोगे डेबिट। जैसे प्लस को हटाने के लिए माइनस करते हो, माइनस को हटाने के लिए प्लस करते हो, ऐसे डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट करोगे और क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट करोगे। पीएनएल यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है क्रेडिट, क्रेडिट को हटाने के लिए करेंगे डेबिट। और ये कहां जा रहा है मेरे बेटा? टू कहां जा रहा है मेरे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। यहां पे क्या कर देंगे मेरे बेटा? क्रेडिट कर देंगे, यहां पर बढ़ा देंगे। कितना प्रॉफिट था मेरे बेटा? 459,500 बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इससे पहले ये वाली जो एंट्री थी मेरे बेटा, जिसका मैंने शॉर्टकट से कहा था, ये वाली एंट्री, इसकी एंट्री बनेगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। क्लियर है? अब देखो इसी एंट्री का जो तीसरी एंट्री मैंने बनाई है, इसका शॉर्टकट देखो, बड़ा आसान है। पीएनएल को क्या कर दोगे? अगेन मैं थोड़ा पेन चेंज करके बता देता हूँ, पीएनएल को क्या कर दोगे? डेबिट। पीएनएल डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ये थी एंट्री, पीएनएल डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन आया। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे बेटे जी, ठीक है। अब दोबारा कलर चेंज कर लेते हैं, एक काम करते हैं, अब एंट्री में बनाने वालों किसकी, जब प्रॉफिट मार्च चला गया तो उस प्रॉफिट में से, जब पीएनएल में प्रॉफिट चला गया तो उस प्रॉफिट में आपने क्या दिया था मेरे बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनेगी मेरे बेटा, पहले बनेगी ड्यू एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मालिक से इंटरेस्ट कैपिटल लिए तो बदले में क्या देंगे? इंटरेस्ट। तो मानो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके से क्या है हमारा? खर्चा। खर्चे क्या हो जाएंगे मेरे बेटे? डेबिट। ऐसे सोच के चलो, इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी इंटरेस्ट देना किसे है? दिया तो नहीं है, किसको देना है? मालिक को। तो बन गई लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो बेटा एक्स का इंटरेस्ट एक्स की कैपिटल में, वाई का इंटरेस्ट वाई की कैपिटल में, लायबिलिटी बन गई क्या कर दो मेरे बेटा? क्रेडिट कर दो। कितना इंटरेस्ट है बेटा? इसका है 24 और इसका है 18। क्लियर है? 24 और 18, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे बेटा? 42। और फिर ये इंटरेस्ट कहां से दिया जाता है? पीएनएल प्रॉफिट में से, यानी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? डेबिट। खत्म करने के लिए क्या कर दोगे? क्रेडिट। क्या कर दोगे मेरे बेटा? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। तो डेबिट क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट कर दोगे। यानी कि हमने क्या करा, पहले ये इंटरेस्ट ड्यू करा और फिर इस इंटरेस्ट का पैसा कहां से निकालेंगे? प्रॉफिट में से निकालेंगे। अब देखो इसका शॉर्टकट दिखाऊंगा, ठीक है। शॉर्टकट में पहले ये एंट्री बनवाऊंगा फिर ये वाली एंट्री बनवाऊंगा, पहले ये और फिर ये, देखते रहना। पेन चेंज कलर कर लेता हूं, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, मुझे ये बोलना था। हाँ जी, तो देखो अगेन ये क्या है? डेबिट साइड और ये क्या है? क्रेडिट साइड। डेबिट का मतलब इसको डेबिट, क्रेडिट का मतलब इसको क्रेडिट। अब इधर देखो, जैसे पहले एंट्री ये वाली बननी चाहिए, क्या बनेगी एंट्री? पीएनएल एप्रोप्रिएशन करोगे क्रेडिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या करोगे? क्रेडिट। डेबिट कैसे करोगे? पीएनएल अकाउंट को। और ये एंट्री आप बना चुके हो, पीएनएल डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कहां से बनाई थी एंट्री? पीएनएल अकाउंट से। तो एंट्री एक बनाना, दो दो बार मत बनाना, या तो ये पीएनएल से बना लो या पीएनएल एप्रोप्रिएशन से बना लो, बनेगी एक ही एंट्री, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर एंट्री बनाते हैं, पीएनएल डेबिट करना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बन गई एंट्री, बनाई थी अभी दूसरी एंट्री, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बोलो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देख लो, देखो जल्दी जल्दी, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बनी हुई है। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? क्रेडिट है। क्रेडिट को हटाने के लिए क्या करवाया? डेबिट। ये इंटरेस्ट बांट दिया एक्स और वाई में। इस तरीके से भी आप कर सकते हो शॉर्टकट। क्लियर है? ये नहीं है आई बस में, नहीं आई बोल दो, पहले हमने ये निकाल दिया। टेक्निकली वैसे सिक्वेंस यही होना चाहिए मेरे बेटे जो मैं बना रहा हूँ। अब ऐसे ही सैलरी की एंट्री है, जैसे बस जहां पर इंटरेस्ट कैपिटल है ना, वहां क्या कर देना? सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, किसकी सैलरी है? एक्स की सैलरी एक्स कैपिटल में और वाई की सैलरी वाई की कैपिटल में। क्या मेरी बात क्लियर हुई बेटा? इसकी सैलरी कितनी थी? 60 क्रेडिट में, इसकी थी 90 क्रेडिट में और डेबिट में 1.5 लाख। अभी सैलरी दोगे कहाँ से? प्रॉफिट में से। तो बेटा क्या करोगे? अगेन वही पीएनएल
appropriation account debit, जिसे interest का अपनी entry है, to salary, अब profit में तो क्या करा, salary बाहर कर ली, 1.5 लाख की, बेटा आया, इसका भी shortcut बिल्कुल वही लगेगा मेरे बेटा, same, ditto, लगाओ, देखो, क्या होगा, P&L appropriation, P&L appropriation debit to salary, salary है credit, credit को खत्म करेंगे debit, तो salary debit to X capital to Y capital, as a commission, P&L appropriation debit to commission and commission to X, clear है, same, commission देना है, खर्चा किसको देना खाली X को, कहाँ डालेंगे X की capital में, कितने रुपए मेरे बेटा 17,500 और फिर क्या होगा मेरे बेटा जी ये कमीशन कहां से निकल जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 17,500 क्लियर है इसके बाद बना था रिजर्व है ना रिजर्व बना था अब मुझे बताओ रिजर्व से क्या होता है प्रॉफिट कम हो जाता है रिजर्व बन जाता है रिजर्व हमेशा क्रेडिट होते हैं लायबिलिटी मान के और अगर हम प्रॉफिट कम करेंगे तो प्रॉफिट था क्रेडिट कम करने कर देंगे डेबिट और वो सारा प्रॉफिट है कहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट टू रिजर्व बस ये एंट्री बनेगी मेरे बेटा और कुछ एंट्री बनने वाली नहीं है 50 और कोई एंट्री नहीं बनेगी मेरे बेटा समझ गए क्योंकि रिजर्व ना एक्स का है ना वाई का है तो एंट्री क्या बनेगी मेरे बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट टू रिजर्व बस क्लियर है आई बस में नहीं ये एंट्री सबसे आखिर में बनेगी प्रॉफिट को बांटने वाली अब बनेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री क्रेडिट से तो क्रेडिट का मतलब क्या हुआ पीएनएल एप्रोप्रिएशन को कर दो क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कर दो डेबिट ठीक है नहीं तो सीख लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें लेना है हम कैसे लेंगे मालिक की कैपिटल कम कर देंगे कैपिटल हमेशा क्या होती है क्रेडिट कम कर लेंगे अगर देंगे डेबिट तो x की कैपिटल कम कर देंगे x कैपिटल अकाउंट डेबिट y कैपिटल अकाउंट डेबिट हमने क्या करा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पैसा निकाल लिया 5 इधर से और 6,250 इधर से और इंटरेस्ट लेना हमारी इनकम है इनकम क्या हो जाएगी क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम और क्रेडिट कर दिया कितने रुपए मेरे बेटा जी 11,250 बात क्लियर हो गई अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डालना कहां पर है पीएनएल प्रिपरेशन में तो ये क्रेडिट खत्म करने कर दोगे डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 11,250 बात क्लियर हो गई क्लियर है बस यहां पर मैं एंट्री थोड़ी उल्टी लगवा देता हूं उल्टी यानी कि मतलब सीक्वेंस अलग हो जाता है बस क्या मैं पहले एंट्री लगवा देता हूं ये वाली पीएनएल एप्रोप्रिएशन शॉर्टकट लगाओगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन करोगे क्रेडिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कर दोगे डेबिट एंट्री क्या लगेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्लियर है ही नहीं है हाँ है ना फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है डेबिट उसे खत्म करने करोगे क्रेडिट और डेबिट कर दोगे एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिर्फ सिक्वेंस आगे पीछे और कुछ नहीं है एंट्री शॉर्टकट से और वैसे नॉर्मल बनेगी क्लियर है एंट्री आनी बड़ी जरूरी है एंड द लास्ट एंट्री कौन सी बनेगी मेरे बेटा लास्ट एंट्री आपकी प्रॉफिट की सिर्फ एक एंट्री है मेरे बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू ये कुछ नहीं है ये कुछ नहीं ये कोई नहीं है कुछ नहीं है ये नथिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल बात क्लियर हो गई टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीधा प्रॉफिट कहां जा रहा है एक्स कैपिटल में और टू वाई की कैपिटल में बेटा बोलो हाँ या ना यहां कितना गया 1,18,125 वहां गया 93,125 यहां गया 2,11,250 बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर पीएसआर बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू पीएनएल प्रोविजन बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज Being reserve create, being reserve maintain, being commission transfer to P&L appropriation,
being commission allowed to X, being salary transferred to Appropriation, being salary allowed to X and Y, ठीक है ना, और being interest on capital transferred to P&L Appropriation, being interest on capital allowed to X and Y, being profit transferred to P&L Appropriation, being interest on loan transferred to P&L account, being interest on loan charge on X loan. आया, क्लियर है? ये सारी नरेशन मैंने बोल दी, ये सारी एंट्री मैंने कर दी. क्या और एंट्री नहीं बन सकती? बेटा देखो, आपने यहां से सारी एंट्री बना दी, ये टू जेड सारी एंट्री बन चुकी है, यहां से ही बन गई. ये मैंने बोला ये बनेगी नहीं, ये वाली बना दी थी आपने. ये वाली एंट्री आप पीएनएल या पीएनएल प्रोविजन बनाना एक ही, ठीक है? अब यहां देख लेते हैं, देखो बीडी की और सीडी की एंट्री कभी भी नहीं बनाओगे, क्लियर है? ही नहीं है, एडिशनल कैपिटल है नहीं, नहीं तो बन जाती. इंटरेस्ट कैपिटल की एंट्री बना दी, दोबारा मत बनाना. सैलरी की बना दी, कमीशन की बना दी, प्रॉफिट की बना दी, लॉस है नहीं, इंटरेस्ट ड्रॉइंग की बना दी, ड्रॉइंग की नहीं बनी, ये बनाते हैं. अब ड्रॉइंग, अब देखो इसका शॉर्ट बताता हूं, एक्स डेबिट वाई डेबिट, एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू कैश बैंक या टू ड्रॉइंग्स, टू कैश बैंक लिख लेना ज्यादा बेटर है, ठीक है? बेटा एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल डेबिट वाइज कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट. ड्रॉइंग भी लिख सकते हो, इसकी 1,00,000, इसकी 1,25,000, टोटल ड्रॉइंग कितनी हो गई, 2,25,000. बीइंग पार्टनर्स विड्रॉ अमाउंट फॉर पर्सनल यूज, समझ गए? और नहीं तो इसका समझना बड़ा आसान है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं ये. अगर मान के चलो ये भी होता तो क्या करते, X क्रेडिट Y क्रेडिट, डेबिट किसे करते, कैश या बैंक को. तो कैश या बैंक डेबिट टू X कैपिटल टू Y कैपिटल. तो ये था मेरे बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन करा हमने, जिसके अंदर P&L Appropriation, P&L प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल और प्रॉपर जनरल एंट्री सीखी भी, समझी भी और शॉर्टकट भी सीखा. क्लियर ही नहीं है, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा. एक बार इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, जरा सा भी दिमाग मत भटकाना जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं. आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत. हेलो फ्रेंड्स, होप सो आपको वाला एपिसोड पसंद आया होगा. बैक टू बैक इसके एपिसोड और आएंगे, ठीक है ना? पूरी बातें, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करके जाऊंगा, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, ठीक है? आपके साथ हम एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर के साथ मतलब आप जो भी क्वेरी हो उस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा. बाकी आप अपनी क्वेरीज को कमेंट्स में डाल सकते हैं और कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट एपिसोड आपको किस कंसेप्ट पे, किस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे चाहिए, वो मुझे बताइएगा. आपके लिए ही हूँ मैं और आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा. लेकिन बेटा एक बात रखना, आपके लिए वो वीडियो बनी है या नहीं बनी कैसे पता लगेगा आपको, बताइए. दो बातें करनी है, एक तो पहले लाइक करना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको मैं जो दे पा रहा हूँ वो सही कंसेप्ट है, सही कंटेंट दे पा रहा हूँ. दूसरी बात, आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं रहेगा. बेल आइकन दबेगी तो आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ठोक दो, कुछ भी करो, मुझे मतलब नहीं है, लाइक हो जाना चाहिए. धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू.